देखा तुमने? ऐसी होती हैं बच्चियां जिनकी कोई अच्छी तरबियत हुई होती है, और एक तुम्हारा बेटा है नालायक। अरे उसे कहो कि इंसान बन के जीना सीखे। अच्छी लड़की, घुन्नी है घुन्नी। अम्मी आप पानी पी लीजिए। हेलो, नंबर तुम्हारा बंद ही रहता है। जब तुम्हें अंदाजा हो गया कि मेरा फोन बंद मिलेगा तो अपना टाइम क्यों जाया कर रही हो? किस्मत से तुम मिले, बार बार खो नहीं सकती हो तुम्हें। खोई हुई चीज को दोबारा उसी जगह पे तलाश करना बेवकूफी होती है। फायदा नुकसान तो मुझ पे छोड़ दो। तुम्हारा बार बार कॉल करना मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। चलो, तुमने कबूल तो किया कि अब भी मेरे बारे में सोचते हो। I'm just wasting your time. तुम एक बार साथ देने की हामी तो भरो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। काम है मुझे। कसने मुझसे इस तरह भाग नहीं सकते। लड़की कौन थी? बाहर जवाब दे तो दिया। सुना नहीं तुमने जो तुम यहां सर खाने आ गए हो? मेरा, मैं आपके मुंह से सच सुनना चाहती हूँ। तो तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं? शायद था। ये तुम जैसे जो छोटी ज़हनियत के लोग होते हैं ना, उनका मसला ही नहीं होता है। इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात होगी अगर एक लड़का और लड़की साथ बैठ के लंच कर रहे थे? हाँ ठीक है, अगर वो सिर्फ आपकी दोस्त थी और आप दोनों सिर्फ एक फॉर्मल लंच कर रहे थे तो आपके अब्बू को गलत फहमी क्यों हुई? क्योंकि अब्बा की आदत है राय का पहाड़ बनाने की। पहाड़ ऐसे ही नहीं बनते, राय होती है तभी बनते हैं। ये तुम्हारी जबान ही कुछ ज्यादा खुल गई। तो हमल से तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूं, इसका ज्यादा फायदा मत उठाओ। ऐसा क्या हो गया है जो आपको बाहर दोस्तियां ढूंढनी पड़ रही? मुझ में ऐसी क्या बुराई है? अच्छाई क्या है? आपकी ऊंची आवाज इस बात की गवाही दे रही है कि तब्बू का शक भेजा नहीं। ऐसा ज्यादा मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? और आइंदा इस तरह तफ्तीश करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत प्यारी लग रही हो। अच्छा, मैं तो अभी तैयार भी नहीं हुई।
तुम हर हाल में हसीन लगती हो। कुछ फहम बना दें आप मुझे। तो बन जाओ। नौशेरमा गजनवी की मंजूर नजर हो तुम। वाकई मंजूर नजर हूं। कोई शक है? अगर कहूं कि शक है तो फिर मैं अपनी मोहब्बत से तुम्हारा शक दूर करने की कोशिश करूंगा। शादी में जाना। शादी में जाना इतना जरूरी भी नहीं। Excuse me. आप हैं। और कौन हो सकता है? कोई नहीं। बोर तो नहीं हो रही हो? मैं यहाँ किसी को जानती नहीं ना, बस इसीलिए। तारुफ करवाओगे तो जान पहचान होगी।